गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और आप लोगों ने जो है बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं गाइस, मेरी जो पिछली वीडियोस है उन सब पे, तो एक एक करके सभी लोगों का जो है आंसर दे पाना मेरे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा था, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है प्रॉपरली इस कारण से। और मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती, इससे जो है ना लगभग जो है एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, इसलिए सब लोगों को आंसर मिल जाएगा। दैट्स वाई कि ये वीडियो बना रही हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन लगभग मैंने पिक कर लिया है, अगर बाई चांस किन्हीं का क्वेरी छूट जाए तो आप लोग जो है मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप लोगों को जो जब नेक्स्ट Q&A करूँगी तो आपका क्वेश्चन जो है मैं ज़रूर पिक कर लूँगी। सो गाइस, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन आया हुआ है कार्तिका चौधरी। हाँ, कार्तिक चौधरी नेम से है। इनका क्वेश्चन है, इन सर्दियों में भी आप मालिश करते हो, मेरा बेबी भी 5 मंथ का है, क्या हीटर के सामने मालिश कर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई करो दी। तो डियर, यस, हीटर के सामने आप इन सर्दियों में मालिश कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको मालिश करने, बिकॉज मालिश के बिना तो बेबी रह ही नहीं सकते हैं, तो आपको उनको मालिश ज़रूर देना, क्योंकि उनका बॉडी पेन होता है और ग्रोथ भी बेबी की मालिश पे डिपेंड रहती है, तो आपको मसाज उनको करने ही करना है। और रही बात की हीटर के सामने, तो हीटर आपको रूम में ऑन करना है, और जब रूम का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब जो है आपका बेबी को मसाज करना है। ये नहीं कि हीटर सामने रख दें और उसके बाद मालिश करें, जो है हीटर के जस्ट सामने बेबी को रख के मसाज नहीं करना है, इसलिए बिकॉज हीटर से ना काफ़ी गर्म हवा निकलेगी और बेबी स्किन काफ़ी पतली होती है, तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हीटर को रूम में ऑन रखना है, उसके बाद मसाज करना है, बट डेफिनेटली मसाज करना ही करना है। एंड अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिक किया है वो है @smiley करके हैं कोई, इनका क्वेश्चन है आपके बेबी का वेट कितना है? तो डियर, मेरी बेबी का वेट 6 kg है और मेरा बेबी अभी 3 मंथ का है। ओके, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं या फॉर्मूला मिल्क देते हैं? तो डियर, मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ, मैं फॉर्मूला मिल्क नहीं देती हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिला है, मेरा बेबी भी लो वेट का है, आपके बेबी का वेट 2nd मंथ में कितना था और 1st मंथ में कितना था? तो डियर, एक्चुअली मेरा बेबी जो है प्राइम है, यानी कि मेरा बेबी 8 मंथ पे हो गया था, और जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था तो मेरे बेबी का वेट जो था 2.2 kg था, और इसका जो वेट 1st मंथ में इसका वेट गाइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि मसाज करने से बेबी का वेट बढ़ता है, क्योंकि मैं भी न्यू मॉम हूँ, मेरा 1st बेबी है, तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं था। बस में मेरे कुछ रिलेशन वाले आए थे, जिसमें मेरे कुछ ओल्ड एज के लोग भी आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो है मसाज करना है, जितना हो सके उतना मसाज देना बेबी का। तो करीबन जो है मैंने 1st मंथ बेबी का मसाज बिल्कुल नहीं किया था गाइस, बिल्कुल भी एज ए नॉर्मल किया, बेबी का मसाज नॉर्मली किया था, एक दो बार कर देती थी, वो भी काफ़ी हल्के हाथों से करती थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। बट जब वो बाद में आए थे ना, तो मुझे उन्होंने गाइड ही किया, पर्सनली उन्होंने मुझे मसाज करके बताया कि कौन कौन से पार्ट की किस तरीके से मसाज करनी है। तब से जो है गाइस मैं अपने बेबी पे प्रॉपर फोकस करती हूँ, मसाज को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती हूँ। तो जो है मेरे बेबी का वेट मैंने 2nd मंथ में भी किया था, तो सेम आया था, स्टार्टिंग के 2nd मंथ में किया था, 2.2 kg ही आया था। कहते हैं लोग कि जब बेबी जब पेट में रहता है और जब न्यूबॉर्न होता है तो उसके मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पानी में फूला रहता है ना, इस कारण बेबी का वेट स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसके बाद वो जो पानी वाला वेट होता है वो धीरे धीरे घट जाता है, मसल्स का वेट रह जाता है। तो बाद में फिर अगेन 1 मंथ बाद, यानी कि जब मेरी बेबी का वेट चेक हुआ था तो बेबी का वेट 2.2 kg ही आ गया था, बट उस 10 दिन बाद मैंने अगेन चेक कराया था तो मेरी बेबी का वेट जो बढ़ने स्टार्ट हो गया था, वेट है 2nd मंथ में 2 गुना हो गया था, 4.1 आया था बेबी का वेट। एंड उसके बाद जो है मैंने 3rd मंथ में अपने बेबी का वेट चेक किया, मैंने करीबन पाँच दिन पहले अपने बेबी का वेट चेक किया है, तो 6 kg 5 ग्राम वेट आया है मेरी बेबी का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोद कुमार,
दिन में कितनी बार मालिश करना है। तो डियर मालिश आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके पास कितना टाइम है कितना नहीं है। अगर आपके पास पॉसिबल है तो दिन में 3 बार 4 बार करिए, बहुत अच्छा है। जितना मालिश कर दे बेबी को उतना अच्छा है। अगर नहीं पॉसिबल है तो 2 बार जरूर करिए, सुबह और शाम जरूर करिए। मेरा कभी भी ऐसा टाइम नहीं जाता जब मैं बेबी को 2 बार मसाज नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं 3 बार तो करती करती हूँ। बाय चांस कभी मिस हो जाता है तो मैं 2 कभी भी नहीं छोड़ती। 2 मसाज मॉर्निंग का और नाइट का 100% मैं देती ही देती हूँ। और जब मैं एक मसाज देती हूँ, जब एक बार मालिश करने बैठती हूँ, तो मैं 1 घंटा कैसे भी लेती हूँ कि 1 घंटे तक उसको मसाज में प्रॉपरली देती हूँ गाइस। तो 2 मसाज आपको कैसे भी करनी ही करनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी कोई यूजर है, नेम नहीं है इनका, आपका बेबी बॉय है या गर्ल है? तो डियर मेरा बेबी बॉय है। एंड अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पिक कर रही हूँ इनका ही है। मैम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मैम आप बेबी बॉय का डायपर खोलकर फुल बॉडी मालिश का वीडियो दीजिए, और बेबी बॉय का तेल मालिश करते समय प्राइवेट पार्ट को कैसे खोलना चाहिए और कैसे क्लीन करना चाहिए वो बताएं। ओके तो डियर देखिए, सबसे पहली बात की तो मेरे चैनल पे जो है ना स्टेप बाय स्टेप बेबी का मसाज का वीडियो है। और रही बात डायपर खोलने की, तो देखिए यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है ना, ये इसके खिलाफ है कि हम बेबी का जो है पर्सनल पार्ट शो नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई कि मैं आप लोगों को डायपर खोल के मसाज नहीं बता सकती हूँ। और आपने बता आपका इसी में क्वेश्चन है कि प्राइवेट पार्ट को कैसे खोलना है, तो डियर इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट किया है कि पर्सनल इसको जो है प्रैक्टिकल वीडियो में करके दिखाइए, प्रैक्टिकल वीडियो में करके दिखाइए। तो ये पॉसिबल नहीं है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकी हैंसम का। तो डियर देखिए, आपका इतना बड़ा ये क्वेश्चन है, मैं इसमें बोल के नहीं बता पाऊंगी इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपका जो प्रॉब्लम है ना, ये मैंने लाइफ में अपने लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम किसी का देखा है ऐसा कुछ प्रॉब्लम। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगी कि देखिए, अगर आप ऑयल डाल के सरसों का ऑयल जो है बेबी के प्राइवेट पार्ट पे डालिए, उसके बाद जो है ब्राउन स्किन को ऊपर करिए। अगर वो ऊपर आ जा रही है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से विजिट करिए, डॉक्टर को दिखाइए कि क्या इशू है क्या नहीं है। बिकॉज़ ऐसा केस मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा, मैंने कभी सुना भी नहीं है जो आपके बेबी के साथ प्रॉब्लम है। तो आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर के साथ विजिट कर लीजिए। एंड सेम प्रॉब्लम जो है मेरे पास मैसेज आया है इनका, पांडा करके कुछ है, पांडा 844 करके हैं। तो आपका बेबी 13 साल का हो जाएगा, राइट? तो डियर मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ जो है डॉक्टर से विजिट करिए, और जो भी है आप डॉक्टर को बताइए। क्योंकि पर्सनली जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों से। तो इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो आप प्लीज़ जो है डॉक्टर से विजिट करिए। एंड मतलब मैं प्रे करती हूँ कि आपकी बेबी की प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाए। एंड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार अहमद अली सुमरू। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या जवाब दूँ। इनका क्वेश्चन है कि आप कब होगी प्रेग्नेंट? अब तो डियर ये तो भगवान के हाथों में है, कब मैं होंगी कब नहीं। और आप जो बोल रहे 2024 में क्यों नहीं, तो ये तो मैं आपको क्या आंसर दूँ। आपको पता सीधे पता चल रहा है कि मेरा 3 मंथ का बेबी है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इस टाइम पे इंसान प्रेग्नेंट हो और फर्स्ट बेबी की केयर ना करके और किसी और के बारे में सोचे, तो इम्पॉसिबल है। और रही बात है कि आपको जो इंजेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो प्रेगनेंसी में कौन से इंजेक्शन मिलते हैं, कौन से मंथ में मिलते हैं, वो सारी चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लीज़ किसी भी डॉक्टर के पास विजिट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी विथ स्टोरी का। मैम अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करिए प्लीज़ विथ अ न्यू बेबी। ओके डियर, मैं जल्दी ही अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। वैसे तो मॉर्निंग रूटीन जो है काफ़ी ज़्यादा मेरा बिजी रहता है, बिकॉज ऑफ उस टाइम पे हबी को जाना रहता है, तो खाना वाना बनाना बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, साथ में बेबी भी रहता है। तो ओके, मैं आपके साथ ये बहुत जल्द अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। एंड स्टडी विथ स्टोरी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम एक डाइपर पर वीडियो बना दीजिए, बेबी को डाइपर पहनाना ठीक है कि नहीं? तो ओके डियर, बहुत जल्द जो है मैं डायपर पे वीडियो बना दूंगी। एंड इनका क्वेश्चन है कार्तिका चौधरी, आई थिंक मैंने पिक कर लिया था।
दी आप बेबी को फॉर्मूला मिल्क देते हो या ब्रेस्ट फीड? तो डियर मैं ब्रेस्ट फीड ही देती हूँ बेबी को, बिकॉज बेबी जब तक 6 महीने का ना हो जाए तो ब्रेस्ट फीड ही देना चाहिए, अदरवाइज डेवलपमेंट जो है अच्छे से नहीं हो पाती है, किसी ना किसी चीज़ की कमी रह जाती है, इसलिए जो है डॉक्टर भी बोलते हैं कि 6 महीने तक माँ का ही दूध दिया जाए, बच्चे को कुछ भी चीज़ नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। तो मैं बेबी को फीड ही करवाती हूँ। ओके, और नेक्स्ट है निस्मा शर्मा, फुल सपोर्ट, थैंक यू सो मच डियर इतना सपोर्ट देने के लिए, बिकॉज ऑफ आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मेरे लिए इतना ज़्यादा मायने रखता है, इतना ज़्यादा मायने रखता है, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी भी अभी जो है मेरा जो नॉर्मल टाइमिंग है बेबी के साथ मैनेज करते हुए, मेरे पास मुश्किल से मुश्किल जो टाइम बचता है रेस्ट करने का, जो मुझे टाइम मिलता है 4 से 5 घंटा मिलता है डेली का, बता रही हूँ गाइस, फुल डे और फुल नाइट टोटल ऐड करके बता रही हूँ। अगर आप लोगों का, अगर मुझे इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहा, प्यार मिलता रहा, तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी और भी अच्छे अच्छे तो करूँगी। क्वेश्चन है एट द रेट स्माइली का है, इन्होंने लिखा आपके वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरा बेबी भी लो वेट का है, आपका बेबी का वेट 2nd मंथ में और 1st मंथ में कितना है? तो डियर मैंने 1st और 2nd मंथ में और 3rd मंथ में कितना बेबी का वेट है ये मैंने आपको बता दिया, और मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलता है ये इस बहुत बड़ी बात है, आपने कमेंट किया इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। एंड मैं बस यही बोलूँगी गाइज आप लोगों से कि आप लोग जो है अपना प्यार सपोर्ट मुझे इसी तरीके से बनाए रखिए, और मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूँगी और कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो से जितना हो सके आप लोगों को हेल्प मिल पाए। तो थैंक यू डियर मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।